ऐसे होते ही बातचीत करते वक्त हम कह देते हैं आज तो चाय पीने का मन कर रहा है यार, मेरा तेरे से बात करने का मन था इसलिए मैंने कॉल कर दिया, यार मूवी देखने का मन कर रहा है। तो ये मन कर रहा जो हिंदी में हम बोलते हैं ना, उसे इंग्लिश में बोलते हैं फील लाइक। क्या बोलते हैं? आपका मन है तो बोलेंगे आई फील लाइक। एक ग्रामर की बहुत सॉलिड बात है बेटा। फील लाइक के बाद जब वर्ब को लेके आएंगे तो कैसे लेके आएंगे, गलती से भी पहली फॉर्म ऐसी कैसी मत लगाना। यहाँ लाइक के बाद जो भी वर्ब आता है उसमें आईएनजी लगता है। इस लाइक के बाद जो भी वर्ब आएगा उसमें क्या लगेगा बेटा? आईएनजी। रीजन क्या है? ये लाइक यहाँ पे पसंद नहीं है बल्कि प्रेपोजिशन है, के जैसा। कैसा मन कर रहा है? जैसा पढ़ते वक्त करता है वैसा मन कर रहा है, इसलिए पढ़ने का मन है। तो मेरे साथ बोले आई फील लाइक, और मन से बताएंगे सर ये लाइक आ गया तो उसके बाद जो भी वर्ब आएगी क्या लगेगा। तो कैसे बोलो भाई साहब मेरा मूवी देखने का मन है, मेरा तो एक कप चाय पीने का मन कर रहा है सर। आई फील लाइक हैविंग अ कप ऑफ टी या टेकिंग अ कप ऑफ टी। कैसे बोलो आपसे बात करने का मेरा मन था। आई फील या फेल्ट। जैसे ये मन पास्ट में चला जाएगा तो फील का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा बच्चों? फेल्ट। आइए फिर से बोले आई फेल्ट लाइक टॉकिंग टू यू। फिर से बोले आई फेल्ट लाइक टॉकिंग टू यू। आपसे बात करने का मन था, मन है। एक बार लास्ट बताइए मन के लिए इंग्लिश में क्या वर्ड बोला हमने? शाबाश, क्या बोला? मेरा मन है। हाँ जी, एक लास्ट में फिर से बोलो, बाहर खाना खाना होता है ईट आउट, क्या होता है? शाबाश, फिर से बोलिए ईट आउट। आज तो बाहर खाना खाने का मन है। आई फील आउट, आई फील लाइक ईटिंग आउट। नहीं, कल था मेरा मन, येस्टरडे। येस्टरडे आई फील या फेल्ट। शाबाश, बहुत बढ़िया। आई फेल्ट लाइक। अच्छा आपको पता है इस लाइक के बाद जो ये नॉलेज पूछ रहा हूं कि आपको पता है इस लाइक के बाद जो वर्ब आएगी उसमें क्या लगेगा? रीजन पता है ना, ये प्रेपोजिशन है, पसंद वाला नहीं, इसलिए इसके बाद आईएनजी लगता है। क्लियर हुआ कंसेप्ट?